नमस्कार, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जो तमिलनाडु में लागू कर दी गई है। ठीक है, तो स्टर्लिंग साहब की गवर्नमेंट है जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि 1 करोड़ वुमेन को कम से कम पर मंथ 1,000 रुपीज़ देने के लिए एज ए अनाउंस किया उन्होंने। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि ये है क्या, तो देखते हैं। तो कहता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अनाउंसेस दैट 1 करोड़ वुमेन इंक्लूडिंग स्ट्रीट वेंडर, फिशर वुमेन, कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड डोमेस्टिक हेल्पर विल रिसीव 1,000 पर मंथ एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यानी क्या कह रहा है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कम से कम किन को इंक्लूड किया, 1 करोड़ वुमेन को इंक्लूड किया लिया है, जिसमें से कौन कौन आएंगे, स्ट्रीट वेंडर आएंगे जो रेडी लगाती हैं महिलाओं, जो डेली वर्कर होते हैं, ठीक, फिशर वुमेन आती हैं जो मछलियां पकड़ने का काम करते हैं, मछुआरे लोग कह सकते हो, वो होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर जो घरों का काम या डेली वे दिहाड़ियों पे जो काम वन करती हैं वो हो गई, डोमेस्टिक हेल्पर जो घरेलू काम करते हैं जैसे किसी घर में काम करना, मेड, झाड़ू पोछा लगाने वाली, तो वो उसको इंक्लूड किया गया। ठीक है, और उन सबको क्या कहा गया कि उन सबको पर मंथ 1,000 रुपीज़ एज अ डोमेस्टिक बेसिक सॉरी एज ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, अब इस स्कीम का एम क्या है, ठीक, इस स्कीम का एम कहता है कि वुमेन लाइफ लॉन्ग वर्क एंड इरेडिकेट पावर्टी बाय कंप्लीमेंटिंग देयर लाइवलीहुड एंड टू इम्प्रूव देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यानी वुमेन लाइफ लॉन्ग वर्क मतलब महिला जो इतने दिनों से मतलब काम करती है, इतने मतलब काम करती है जिसको आज तक रिकॉग्निशन नहीं मिली है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, और इरेडिकेट पावर्टी तो एक गरीबी भी हटाने का काम करेंगे, और टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड और उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने का कोशिश किया जाएगा। ठीक, एंड टू इम्प्रूव देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सेल्फ रिस्पेक्ट को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हालांकि ये देखिए तो एक हिसाब से 1,000 इज़ नॉट मोर सफिशियंट फॉर पर मंथ, उससे थोड़ा गवर्नमेंट को और कम से कम जाना चाहिए, लेकिन खैर गवर्नमेंट ने इशू किया, कुछ तो इशू किया। तो आगे बढ़ के देखते हैं, तो कहता है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन रिड्यूस द पावर्टी बाय हाफ एंड हेल्प द वुमेन प्रायोरिटाइज देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, न्यूट्रिशन, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड स्मॉल बिजनेस। यानी कह रहा है कि अपने चिल्ड्रन की एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, मेडिकल एक्सपेंसेस में और स्मॉल छोटे 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 मोटे बिजनेस में वो अपना ऐसा हेल्प कर सकती हैं वो 1,000 से। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके पहले कहीं और लागू हुआ है कि नहीं। ठीक, तो इसके पहले किसी कंट्री में, कोई और दूसरे देश की बात कर लें तो किसी और दूसरे देश में लागू अभी तक तो नहीं है। इसके पहले जो कह सकते हैं ईरान और मंगोलिया में लागू था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया, और अभी की फिलहाल की बात करें तो इस टाइम पर कोई ऐसा देश नहीं है जहां यूनिवर्सल बेसिक इनकम लागू हो। ठीक है, अब इसके वैल्यू क्या क्या हैं स्कीम के, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम फॉर वुमेन कैन प्रमोट अ इक्विटेबल सोसाइटी बाय रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ अनपेड केयर वर्क, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड एम्पावरिंग वुमेन। यानी रिकॉग्नाइज तो मिलेगा ही, मतलब आज जैसे आप लोग कई सेक्टरों में देखते होंगे कि मेन और वुमेन को इक्वल सैलरी नहीं मिलती है, जबकि काम इक्वल कराया जाता है लेकिन इक्वल सैलरी नहीं मिलती है, तो उसको हो सकता है कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा, ठीक, और ह्यूमन डिग्निटी को मिलेगा ही, और वुमेन एम्पावर को तो मिलेगा, जिसके कारण साथ साथ सोशल जस्टिस भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इन स्कीम जिसके तहत उन्होंने 1,000 वुमेन को 1,000 पर मंथ वुमेन के लिए लागू किया गया। ठीक है, इसकी PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, थैंक यू ऑल।